वालेकुम फ्रेंड तो कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे अगर आपके पास आईफोन है तो आप इस वीडियो को अंत तक देख सकिएगा क्योंकि अक्सर उकात आपके मोबाइल जो लोगों पर स्ट्रक हो जाते हैं आप मोबाइल को डिस्टार्ज करते हैं या अपने मोबाइल को सॉफ्टवेयर करते हैं तो आपका मोबाइल स्टक हो जाता है या फिर आपके पास सैमसंग का मोबाइल या कोई भी एंड्रॉयड मोबाइल है तो आपका मोबाइल अगर स्टक हो जाता है तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा क्योंकि आपको बाहर जाने की या बाज़ार से करवाने की सॉफ़्टवेयर करवाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सॉफ्टवेयर के बगैर हो जाएगा और बगैर किसी डाटा को ख़राब किए ये आपका मोबाइल जो है वो रिकवर हो सकता है तो आप इस वीडियो को एंड तक देख रहिएगा तो दोस्तों ये सॉफ्टवेयर आपको कंप्यूटर पे करना पड़ेगा जिसका नाम है टेनोर शेयर रिपोर्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास आ जाएगा तो यहाँ से हम बाय नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पे आसानी के साथ यहाँ पे बाय कर सकते हैं इसका वन मंथ लाइसेंस वन ईयर लाइसेंस और लाइफ टाइम लाइसेंस तो दोस्तों यहाँ से आप, आप लाइफ टाइम भी इसको परचेज़ कर सकते हैं वन ईयर भी इसको परचेज कर सकते हैं और वन मंथ भी इसको ले सकते हैं अगर आप मेरे यहाँ से कोड आपको शो हो रहा होगा अगर मैं आप मेरे कोपन कोर्स से इसको लेते हैं तो आपको थर्टी परसेंट डिस्काउंट मिल जाएगा और इसके अलावा मैं फाइव इसके जो कोड है जो इसका लाइसेंस है मैं इसका गिव अवे करने वाला हूँ बहुत जल्द तो जल्दी से इसमें कमेंट कर दें ताकि आप विनर हो सकें इस सॉफ्टवेयर का ठीक है दोस्तों तो अब हम चलते हैं सॉफ्टवेयर की मदद से तो दोस्तों ये सॉफ्टवेयर जिसका नाम है शेयर रिपोर्ट आपने इसको डाउनलोड कर लेना है डाउनलोड करने के बाद आपने इसको इंस्टॉल करना है इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको ओपन कर लेना है तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है तो यहाँ पे आपने डिवाइस को कनेक्ट कर लेना है आपके पास कोई भी डिवाइस है ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पे डिवाइस अपनी कनेक्ट कर ली है तो यहाँ पे आपके पास तीन ऑप्शंस आ जाएंगी यहाँ पे एग्जिट रिकवरी मोड और नीचे आ जाएगा रिपेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम तो यहाँ पे आपने एग्जिट रिकवरी मोड पे क्लिक कर देना है जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास लोडिंग आ जाएगी लोडिंग आने के बाद आपके पास स्क्रीन यहाँ पे शो हो जाएगी अभी थोड़ा सा ये टाइम लेगा मैं आपको पूरी ये वीडियो ये हर स्टेप करके दिखाने वाला हूँ तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा तो ये देख सकते हैं ये पूरा रिबूट हो रहा है मेरा जो आईफोन है तो यहाँ पे जैसे ही ये रिपूट हो जाएगा तो आपको ये दिखा दूंगा मैं ये देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ पे ऑटोमेटिक इसने कर लिया है तो यहाँ पे आपके पास इसमें करना है और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगी एंटर रिकवरी मोड और आ जाएगा रिपेयर ऑपरेटिंग सिस्टम अगर रिपेयर के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो होगा डाटा वो खराब नहीं होगा तो आपने सिंपल इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह का आ जाएगा ऑप्शन तो यहाँ पे रिपेयरिंग यहाँ पे आ जाएगा फिक्स नाउ तो फिक्स नाउ के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपके पास फाइल्स ऐड करनी है तो जहाँ पे फाइल पड़ी होगी तो वहाँ पे ऐड कर सकते हैं नहीं तो आपने इसको डाउनलोड कर लेना है तो आपने अपने आईफोन के रिलेटेड इसको डाउनलोड कर लेना है तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ फिर आप पर इसको अगर आपके कंप्यूटर में पड़ी हुई है तो वहाँ से भी कहते हैं डाउनलोड के बटन पर क्लिक कर दिया तो ये देख सकते हैं डाउनलोड फ्रेमवर्क होना शुरू हो चुका है ये ऑटोमेटिक इसको डिटेक्ट करेगा अब मैं इसको थोड़ा सा ज़रा जल्दी कर देता हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये बिल्कुल स्टेप ओके हो गया तो आपने रिपेयर नाउ के बटन पर क्लिक कर देना है अब ये देख सकते हैं मेरा जो आईफोन है वो रिकवरी मोड में चला गया है जैसे वो गया तो ये ऑटोमेटिक ये रिकवरी मोड स्टार्ट ये स्टेप थोड़ा दो से एक से डेढ़ घंटे का तो आपने इस दौरान आपका कंप्यूटर ऑफ नहीं होना चाहिए नहीं तो आपका कंप्यूटर और आपका मोबाइल ख़राब हो सकता है तो दोस्तों ये देख सकते हैं डिपेंडिंग होनी शुरू हो चुकी है जैसे ये टोटल कम्प्लीट देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ डन हो चुका है मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और आज के लिए बस इतना ही थैंक्स फॉर वॉचिंग अल्लाहफिज़